झारखंड में जो आपराधिक स्थिति बढ़ी है, प्रतिदिन एक एक घटना सुनने को मिल रहे हैं। अब तो और साथ-साथ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। इतने असुरक्षित लोग, मैं बाकी विषयों पे बात नहीं कर रहा हूं, जहां जान है जान है, जान जान की भी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं कि कौन व्यक्ति किसके जीवन में कब क्या घटना घट जाए, कौन किसकी कब हत्या कर दे। तो ये हत्या का जो मामला झारखंड में लगातार आ रहा है, ये एक चिंताजनक विषय है। मैं बात स्मरण एक छोटी सी घटना स्मरण कराना चाहूं। हमारे ही देश में, हमारे पूर्वजों में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, और उनके रेल मंत्रित्व के कार्यकाल के अंतर्गत एक रेल दुर्घटना हुई। वो इतने आहत हुए, आत्मग्लानि महसूस हुई, और उन्हें अपने पद से त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिया, या मानकर या कहकर कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे से यह संभल नहीं रहा है। आज जो राज्य की स्थिति है, सरकार को समझनी चाहिए नीति, यदि मैं सक्षम नहीं हूं सरकार चलाने में, तो आपको निश्चित रूप से त्याग पत्र दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और मैं इसके माध्यम से, जहां तक आवाज मेरी पहुंचे, मैं अपने मन की बात कहता हूं कि झारखंड में अब राष्ट्रपति शासन अविलंब लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान माल की भी कोई गारंटी नहीं रह गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है।